हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। क्या हालचाल, कैसे हो? तो आज हम जा रहे हैं इस खूबसूरत से जो हमारा पथ है, नेहरू पथ को बोलते हैं। इधर से हम लोग जाएंगे आर ब्लॉक की तरफ, उसके बाद जो मोटर रस्ती होगी दोस्तों वो देखने लायक होगी। ये नया बना है पटना में, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो पता कर लो, ये बहुत ही नया बना है। पहले यहाँ से जाने का था, हम लोग जाते थे, अब यहाँ से हम लोग इधर से निकलते हैं। मज़ा आता है, स्पीड अच्छी खासी आती है और ये खूबसूरत है, पटने की खूबसूरती है। और मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ बस, वो पटना का पॉर्श इलाका है। पॉर्श जिसको बोलते हैं ना, पॉर्श इलाका है, वो पॉर्श इलाका है। यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलेंगी तुमको, नेताओं की कोठियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये इधर पूरा इलाका नेताओं का है। दिस ऑल रिजर्व फॉर आवर लीडर्स। और ये हमारे कपूरी ठाकुर का है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारे कपूरी ठाकुर, वो इनका इधर ये पूरा भवन है। इनको एज अ म्यूज़ियम डेवलप करना चाहिए बिहार सरकार को, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये हमारा इको पार्क, देखो रॉयल्स, और ये सामने हमारा स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो असेंबली है सामने। तो यही इलाका, ये मैं आपको पूरा इलाका दिखाऊंगा, तो बहुत बड़ा इलाका बहुत। और ये भाई बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको क्या बोलते हैं, गंदगी नाम की एक चीज़ नहीं मिलेगी। गंदगी हर जगह क्लीन, हर जगह साफ, मतलब यू कैन सी द, तुम देख सकते हो हमारे मेरे वीडियो में कि कितनी साफ़ सुथरी है एकदम। और यहाँ पे भाई बारिश होती है तो क्या ज़बरदस्त लगता है, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो यही सब है, चलो थोड़ा सा इस सब रोड पे ना रेलने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज यू कैन गेट अप टू 60, 70, 80, 90, वट एवर यू द बाइक कैपेसिटी इज इट। तो ठीक है, चलो यहाँ से कुछ ले लेंगे। बहुत से अच्छे अच्छे पुल हैं, वो दिखाएंगे आपको, उसके बाद अपने ब्लॉग का ख़त्म करेंगे। पटना का यही है ब्लॉग रहेगा आज का, ठीक है। और ये इको पार्क, यहाँ पे आके शाम में अपना घूमिंग कर सकते हो। दोपहर में मत आना, बहुत लग जाएगी, लू चलती है बहुत ज़्यादा दोपहर में। ओके, और इधर चले जाओ तो हज भवन चल जाएगा। हाँ, हमारे बिहार में हज भवन भी है, जहाँ पे हज जाते हैं उनके लिए है। सिर्फ हज भवन है और कोई भवन नहीं है, तो इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, और ये हमारा पुल बहुत पहले बना हुआ है, बिहार तकनीकी सूची, ये बिहार टेलीकॉम का है शायद, हमको लग रहा है। यस, बिल्डिंग तो वही दिखा रही है। और चलो राइडिंग के मजे लो, शाम हो गई है, शाम सुहानी है। बिरसा मुंडा जी का यहाँ पे ये था, मूर्ति थी, भगवान बिरसा मुंडा जी, भगवान याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम है यहाँ पे। लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते, G20 का समिट होने वाला है, याद रखना, ये बताना मैं भूल गया था, G20 का समिट होने वाला है बहुत जल्दी बिहार में, और म्यूज़ियम में मोस्ट प्रोबेबली उसका सीन है। 22-23 को होने वाला है, अभी पोस्टर्स अगले शुरू हो गए हैं। तो वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 22-23, और कहाँ लिखा, देखो यहाँ लिखा हुआ है 22-23 जून को पटना में है ग्लोबल बिहार वेलकम G20। यस, बिहार वेलकम यार, बिहार को, बिहार क्या, पटना ही में आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग G20 मीटिंग, यार थोड़ा सा प्लीज़ ना साफ़ सफाई का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं, ये रिक्वेस्ट है मेरी, जितना साफ सुथरा रख सकते हो रखो। और आई लव इनर व्हील, ओ माय गॉड, ये इनर व्हील है। ओके, तो बिहार में G20 का मीटिंग होने वाला है गाइस, ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द G20 मीटिंग, और मैं चाहता हूँ कि बिहार का हर न्यूज़ चैनल में या नेशनल न्यूज़ चैनल पे ये टेलीकास्ट होना चाहिए यार बिहार के बारे में। डेवलपमेंट इज़ बेस्ट थिंग, डेवलपमेंट होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और G20 की मीटिंग हो रही है डेवलपमेंट के लिए ही हो रही है मुझे लगता है। और मज़ा आएगा दोस्तों, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बिहार की जो धरोहर है वो है हमारे नालंदा, हमारा राजगीर, ये सब बिहार की धरोहर है। और यहाँ जाम लग गया यार, जाम से तो मैं परेशान हूँ यार, जाम से ही तो मैं परेशान हूँ, मतलब लोग मैनर्स फुली नहीं चल सकते यार। बैटरी वाली गाड़ी हमारे पास तो नहीं है, बट जिसके पास भी है वो बहुत अच्छा पर्यावरण को बचा रहे हैं, थैंक्स फॉर सेविंग एनवायरमेंट। और देख रहे हो क्या खूबसूरत, वो अटल पथ है वहाँ पे, वो देख रहे हो क्या अटल पथ है, खूबसूरत लग रहा है अटल पथ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। एम्बुलेंस जा रही है हमारे राइट हैंड साइड से, ये चाणक्य टावर है हमारा, होटल है चाणक्य होटल, आई थिंक 5-4 स्टार टावर है, बहुत खूबसूरत है भाई, अंदर से इसकी इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है, और ये बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं नेटवर्क के लिए। अरे मुझे समझ आया, जाम किस बात का था भाई, हेलो। चलो खैर, जाम से निकल गए,
कुछ दूर चल के आगे जा रहे हैं हम लोग। वसुदेव कुटुंबकम। लग गई मेरी, लग गई पक्का, लग गई। जाम में फंस गए हम गाइस, जाम में फंस गए, लग गए हमारे, लग गए मेरे तो, लग गए। तो हम जाम से भी निकल गए। भाई नहीं, गाड़ियाँ निकल रही हैं भाई। कौन तो बोल रहा था कि गाड़ियों की बहुत वेटिंग चल रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। आपने राइड देखी होगी, बहुत मज़ेदार राइड रही, ठीक है। तो आपने इलाका देख लिया होगा, जगह देख लिया होगा, बहुत सुपर है और माइंड ब्लोइंग है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और G20 होने वाला है, भूलना नहीं, कल 22 और 23 को है। अपन प्रयास करेंगे कि आपको मैं दिखा पाऊँ। अरे कहाँ सोया हुआ है भाई। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।